हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें एक्सरसाइज 9.2 का आज हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिया है। तो इसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये एक्स इज इक्वल टू -1 और वाई इज इक्वल टू के ऊपर इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन पर इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये -8x² y³ और मल्टीप्लाई 1/5 xy² आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ से पहले तो ये देख लेते हैं, यहाँ से ये माइनस और ये प्लस है तो साइन माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पे 8 × 1/5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ से x का करते हैं तो x² यहाँ पे और x^1 यहाँ पे, तो x^3 कितनी होगी? 3 होगी। फिर y^3 है और ये y^2, तो y^3 कितनी होगी? 5 होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से -8/5 तो ये हो गया और उसके बाद यहाँ पे x³ और ये y^5 हो गई, ठीक है। अभी इनकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से -8/5 का कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू रखते हैं। तो x हमारा कितना है? -1 है, तो -1 और इसका क्यूब हो गया। और y कितना आपका? 2 है, तो 2^2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहाँ से -8 तो ऊपर रह गया और उसके बाद ये -1 जो है इसकी power 3 है, तो ये -1 ही रहेगा। और ये 2^5 है वो कितनी हो जाएगी? 2 को 5 times मल्टीप्लाई करना तो कितना होता है? 32 होता है, 32 होता है। और नीचे कितना आएगा? ये 5 आ गया। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया। तो प्लस आ गया तो अभी 32 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई करके और अपॉन में 5 लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा और 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 और 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, तो 256 आ गए। तो 256 अपॉन 5 आ गया इसका आंसर। यानी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थी उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू है 256 अपॉन 5 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये अपना 4th क्वेश्चन कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इसका इसका और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड देन वेरीफाई दैट द रिजल्ट फॉर ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3 पे इस पर वेरीफाई करना है। तो रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं तो थोड़ा सा काम इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इसमें पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3a² b³ मल्टीप्लाई -7a² और फिर मल्टीप्लाई 5a² और ये b², ठीक है। तो सबसे पहले इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं। तो साइन क्या आता है, यहाँ से ये माइनस का और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो साइन तो आएगा माइनस का। अभी इनको नंबर्स को देख लेते हैं। तो 3 को 7 से गया 21, 21 को 5 से गया तो 105 आ गए, 105। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से 1^2 है, यहाँ पे 1^2 है और यहाँ पे 1^2 है, तो 1^2 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अभी 3 यहाँ 3 है नहीं और यहाँ पे 2 है, तो 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। पावर्स को ऐड करते हैं, 3 + 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका LHS तो ये था और RHS आपका ये आ गया। तो LHS में वैल्यू रखते हैं और RHS में वैल्यू रखते हैं वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं LHS आपका लिख देता हूँ। LHS आपका क्या रहेगा? LHS आपका रहेगा 3a² b³ और ये -7a² और उसके बाद 5a² और ये b² और इसी तरह से यहाँ पे मैं RHS लिख देता हूँ। तो RHS को हम लोग सोल्व करते हैं। तो RHS जब आपका कितना रहेगा? -105 a^6 और b^5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से 3 तो आपका ऐसे के रहेगा, ऐसे रहेगा। a आपका कितना है? a तो 2 है, ठीक है। तो 2^2 ये 2 आ गई और b कितना आपका? 3 है, तो 3^3 आ गई। मल्टीप्लाई -7 इसको ऐसे के ऐसे रखना है। a^2 है तो a कितना आपका? 2, तो 2^2 आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ। तो ये 2 और इसकी पावर 2 आ गई, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई, तो 5 और a^2 है तो a कितना आपका? 2, तो 2^2 होगी। और b कितना है? 3 3^2, यहाँ पे 3 और इसकी पावर 2 होगी, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है? 3 × ये कितना हो गया? 4 हो गया और ये कितना हो गया? 27 हो गया। अभी मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो ये 4 तो ये हो गए और ये यहाँ से आ गया
7 जगह तो माइनस के 28, तो माइनस के 28 हो गए। अब इसको करते हैं तो ये मल्टीप्लाई 5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई ये इसको करते हैं तो 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 9 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आता है, तो देख लेते हैं कितना आता है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये मल्टीप्लाई काफ़ी बड़ा आ गया, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो साइन तो माइनस का लगाया, फिर इनको सभी को मल्टीप्लाई करके देखा तो ये इतना आ गया, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड को भी चेक करके देख लेते हैं, तो RHS में यहाँ से आपका ये इतना ही रहेगा, तो -105 और मल्टीप्लाई ए आपका कितना है 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो गई है 6 हो गई, और मल्टीप्लाई बी कितना है 3 है, तो 3 और इसकी पावर 5 हो गई। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं RHS में आपका कितना आएगा, -105 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, तो ये 64 होता है, ठीक है। कितना होता है 64 होता है। उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, तो ये RHS आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, -105 मल्टीप्लाई 64, और ये कितने हो गए मल्टीप्लाई 3 9 27 81 और 243 हो गए, 243। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो देख लेते हैं RHS आपका कितना आता है, तो ये आता है -163 2960, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी इतना ही आ जाता है, तो हम लोग इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो ये मल्टीप्लाई करना आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको इतना ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। 6 क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, तो वो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया, तो आप लोग इसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 9.2 इन फेयर नोटबुक, आपको एक्सरसाइज 9.2 को फेयर नोटबुक में सोल्व करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस इसके बच गए हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।